हेलो फ्रेंड्स, आज हम भुट्टा उगाने वाले हैं, वो भी कंटेनर में, 12 इंच के कंटेनर में। आप चार प्लांट इसीलिए लगा सकते हो। ये देखिए, ये भुट्टा है। आपको ऐसा ही भुट्टा लेना है जो कि मैच्योर हो, तभी ये ग्रो होगा। कच्चे ना हो इसके सीड्स, इस तरह से होने चाहिए। तो ये देखिए मेरे पास है, इसके आपको सीड निकाल लेने हैं। सीड निकालने के बाद आपको इसको पानी में भिगोना है 24 घंटों के लिए। 24 घंटों के लिए आप इसे पानी में भिगो दें, किचन में रख सकते हो आप इसे। 24 घंटे के बाद आपके पास अगर ऐसा सॉफ्ट हैंकी हो तो वो ले, वरना आप जो मलमल का कपड़ा होता है वो भी ले सकते हो, उसमें आप इसको रख दें निकाल के, और इसे मॉइस्ट रखें। तो ये देखिए, इसमें रूट्स आ जाएगी। आज हम इन रूटेड कॉर्न के सीड्स को लगाएंगे। तो इसे लगाने के लिए देखिए, मैंने जो पॉटिंग मिक्स लिया उसमें एक पार्ट सॉइल, हाफ सैंड, हाफ कोकोपीट और हाफ कंपोस्ट। कॉर्न को जो है वेल ड्रेन्ड पॉटिंग मिक्स चाहिए और मॉइस्ट भी रहे, पानी से ज़्यादा चाहिए नॉर्मल प्लांट से। तो ये परफेक्ट है, इस तरह से होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसे लगाना कैसे है। सबसे पहले ड्रेनेज होल का कवर करेंगे। ड्रेनेज होल ज़रूर हो, ये ज़रूर चेक करें, और पोट को भर लेंगे। पूरा भरना है, इतनी जगह छोड़नी है पानी और सीड्स लगाने के लिए। कम से कम 1-2 इंच जगह ज़रूर छोड़े पानी और सीड्स लगाने के लिए, तभी प्लांट्स को प्रॉपर पानी मिलता है। ये देखिए, ये स्वीट बेबी कॉर्न के प्लांट है जिसके मैंने सीड्स परचेस किए थे। आज मैं आपको भुट्टा से भी लगा के बताऊंगी। इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, इसकी भी मैं वीडियो जल्द अपलोड करूँगी। आपको रूटेड सीड्स को लेना है और रख देना है। मैं चार लगा रही हूँ, 1, 2, 3 और 4। सेम पॉटिंग मिक्स से कवर करेंगे, पानी दे देंगे और रख देंगे इसको फुल सनलाइट में। कॉर्न जो है फुल सनलाइट के प्लांट्स है, फुल सनलाइट में इसकी अच्छी ग्रोथ होती है, और इसे मॉइस्ट भी रखनी है सॉइल इसकी। फ्रेंड, 2 दिन हुए कॉर्न के सीड्स लगाए हुए, आप ये देख सकते हो पौधे भी निकल आए हैं। जिनमें रूट्स थी वो जल्द निकल आए हैं, एक नहीं निकला है क्योंकि इसमें रूट्स काफ़ी कम थी, जस्ट वो स्प्राउट हो रहा था, लेकिन जिसमें अच्छे से रूट्स थी वो निकल आए हैं। यही फ़ायदा होता है रूटेड सीड्स लगाने का, कि वो जल्द जर्मिनेट होता है और पौधे भी जल्द निकल आते हैं। फ्रेंड्स, प्लांट लगाने के 20 दिन बाद आप इसमें दोबारा खाद ऐड कर सकते हो। ऐसे ही आप हर 20 दिन में इसे खाद दें, ताकि जो है प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो और इसमें फ्रूटिंग भी अच्छी हो। तो सबसे पहले तो वीड निकाल देंगे। ये देखिए, काफ़ी वीड हो चुके हैं। ये सब वीड है जो कि एनर्जी जो प्लांट को मिलने वाली होती है जो हम खाद देते हैं वो ये ले लेते हैं। ये ग्रो होते हैं और प्लांट को अच्छे से ग्रो नहीं होने देते। तो इस तरह से वीड निकाल दे, गुड़ाई करे अच्छे से साइड से, प्लांट को ना डिस्टर्ब कर दे, साइड से गुड़ाई करे हल्के हल्के हाथों से। ये देखिए, और इसमें खाद मिला दे। खाद मिलाने के बाद पानी दे दे। आप इसकी मल्चिंग भी कर सकते हो। मैं थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करके इसमें मिला रही हूँ। देखिए, इस तरह से मिला दे। एक प्लांट के हिसाब से एक मुट्ठी मिलाए आप। अच्छे से मिलाने के बाद इसमें पानी डाल देना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कॉर्न के जो प्लांट हैं उनमें मेल फ्लावर्स आना शुरू हो चुके हैं। ये जो आप देख रहे हो ये मेल फ्लावर्स हैं, ये देखिए। इसे टैजल भी कहते हैं। बहुत जल्द इनमें फीमेल फ्लावर्स भी आ जाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे दिखते हैं और पॉलिनेशन कैसे होता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ से जो है ईयर निकलना स्टार्ट हो चुके हैं, इसे ईयर कहते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी है, इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा ये जो है बाल जैसे, इसे सिल्क कहते हैं।
और ईयर विद सिल्क, इसे कहते हैं फीमेल फ्लावर्स। तो यहाँ से जब पोलन गिरते हैं फीमेल फ्लावर्स के सिल्क पे, तब जाके पॉलिनेशन होता है और जो है अंदर कर्नल्स यानी कि सीड्स बनते हैं जिसे हम खाते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसे हार्वेस्ट करना है, जब ये जो सिल्क है ये ब्राउन हो जाए तब इसे हार्वेस्ट करना है। बस इसकी अब ज़्यादा केयर नहीं है, पानी अच्छे से दे, पानी ज़्यादा दे फ्लावरिंग के समय, तभी ये अच्छे से जो है सीड्स बना पाएगी और हमें जो है रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। फ्रेंड्स अब कॉर्न को हार्वेस्ट कर लेंगे, देखिए आपको इस तरह से खींचना है, ये तो ये निकल आएंगे, ये देखिए। फ्रेंड्स कॉर्न को हार्वेस्ट करते समय इस तरह से चेक ज़रूर करें कि भरा हुआ है कि नहीं, और इस तरह से हार्वेस्ट कर दें। ये देखिए आप बैग में भी लगा सकते हो और इस तरह के छोटे 10 इंच साइज़ के पोट में भी आप लगा सकते हो, ये राइस बैग है। फ्रेंड्स तो बहुत इजी है कॉर्न को ग्रो करना, आप भी ग्रो करें, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। सब्सक्राइब के बाजू में ही बेल नोटिफिकेशन है उसे भी प्रेस करें ताकि ऐसे और वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आते रहें।